हलचल टीवी न्यूज। यमुनानगर में मैक्स अस्पताल की तरफ से पुराने मरीजों के लिए नव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिन लोगों के घुटने बदले थे उन्हें डॉक्टरों ने रैंप पर चढ़ाकर कैट वॉक करवाया। कार्यक्रम का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष कंवर पाल ने किया। उद्घाटन समारोह में आए अतिथियों ने रैंप पर चढ़कर ठुमके भी लगाए। कार्यक्रम को डॉक्टर मनोज वाधवा ने संबोधित करते हुए अपना रिकॉर्ड बताते हुए कहा कि घुटनों के कई ऐसे मामले थे जिनको उन्हें बड़ी ही आसानी से हल कर दिया है। मैं तो बल्कि डॉक्टर साहब को बधाई दे रहा था कि आज वो दोनों पति पत्नी ने उनके हाथ पकड़ रखे थे। 50% ऐसे थे जिसने पति पत्नी ने कभी हाथ पकड़े ही नहीं होगा एक दूसरे का। डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी अच्छी जानकारी है, बड़ी खुशी है जान के। अब उतना मुश्किल काम नहीं है जितना पहले था। अब बड़ा आराम से, अब तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 12 मिनट में ऑपरेशन करते थे, हम तो सोच रहे थे कि काफ़ी लंबा टाइम इसमें लगता होगा, काफ़ी दिक्कत होती होगी। लेकिन आज ये बीमारी बढ़ती भी जा रही बहुत ज़्यादा। जिस प्रकार से खोज हुई है, जिस प्रकार से मेडिकल साइंस ने इसमें सुधार किया है, बड़ी खुशी की बात है। और आम आदमी को जानकारी मिले इसलिए डॉक्टर साहब ने यहाँ रखा है ताकि आम आदमी को पता चले कि इसका इलाज है। हरियाणा सरकार तो रोज़ अपना हम आपको देते हैं, आपके अखबार में रोज़ आना आता है, किसी को कम 50,000, किसी को 60,000, किसी को 1,00,000 रोज आना देती है सरकार को आना इस प्रकार का जानकारी दे रहे हैं ये। अब उसको आप किसी साइड से, दोनों साइड है उसकी, आप किसी दिशा से देख लो, आप उससे देख लो, उससे जानकारी मिलती है। इतनी जानकारी ली लेकिन जैसा मेरे को अभी बताया उन्होंने भी, मुझे भी यही बताया कि 3.5 से 4 लाख 4.5 लाख रुपये तक खर्चा। इसमें आज हमने यमुनानगर जगाधरी वासियों के लिए केयर फॉर द केयर गिवर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पे हम आवाम को चाहते थे ये लोग जो हैं ये ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, ये लोग एग्जांपल्स हैं उन लोगों के लिए जो कि आज अपाइजों की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनको आज आर्थराइटिस की समस्या है, ये बताने के लिए कि आर्थराइटिस को सही समय पर रोका जा सकता है। और खुदा न खास्ता अगर आपका आर्थराइटिस बढ़ जाए तो आज नी और हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट्स द्वारा आप नॉर्मल सौजन्य जीवन अपना कर सकते हैं। इसी द्वारा ये बताने के लिए कि आज हम इन सर्जरी से ऑलमोस्ट 99.5% पॉजिटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं। और यही सब लोग जिनके आज कूल्हे और चूल्हे के और घुटने के जोड़ बदले जा चुके हैं, उन्होंने आज सारे आवाम को भंगड़ा डालकर और साथ ही साथ रैंप वॉक करके बताया कि देखो आप इस जीवन को अच्छी तरह से बिता सकते हो। डॉक्टर साहब, एक गलत धारणा है खाड़ियों के पानी पीने के लिए या मिनरल वाटर नहीं पीना है, या आज की डेट में अगर फास्ट फूड खाते हैं उससे आर्थराइटिस हो जाता है, आर्थराइटिस के इन सबसे कोई लेना नहीं है। देखिए आर्थराइटिस पूरे विश्व में है, वो केला इंडिया में या किसी गुरु जी के, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन बताने जाता हूँ कि उसकी साइंस जो है पूरे वर्ल्ड में सेम है, वो सब जगह पर सेम लगा है। ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं हुआ खड़े होकर पानी पीने के लिए ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये जो आपने पूछा क्यों होता है, सबसे पहला जेनेटिक्स कि खानदानी है, जैसे बाल सफ़ेद होते हैं क्यों होते हैं, वेयर एंड टेयर फिनोमेना है। तो अगर मेरी उम्र बढ़ेगी तो उस बढ़ती उम्र में 70 साल से ऊपर की एज में लगभग 50% लोगों के घुटने और चूल्हे में आर्थराइटिस आएगा। अब कौन लकी है कौन लकी है ये डिफरेंट है। दूसरी बात, अगर हम बॉडी वेट ज़्यादा रखेंगे, अपना वेट नियंत्रण में रखेंगे, तब भी हमारा आर्थराइटिस आएगा। तीसरी चीज़, अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिएंगे और रेगुलर व्यायाम नहीं करेंगे तब भी हमें आर्थराइटिस आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यमुनानगर से हलचल टीवी के लिए विनोद धीमान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज़।